विश्व के नंबर एक नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अक्टूबर को 12 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक संख्या में पहुंचकर उनके विचारों को सुने। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। विरोध की किसी भी तरह की गुंजाइश को पुलिस सफल नहीं होने देगी। चेकिंग पॉइंट पर ही लोगों की गहन जांच की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत ने बताया कि काले कपड़े पहने लोगों को सभा स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बीड़ी, माचिस, तंबाकू उत्पाद, ज्वलनशील पदार्थ भी सभा स्थल में नहीं ले जाए जाएंगे। पानी की बोतल भी प्रतिबंधित रहेगी। सभा में आने वाले लोगों के लिए सभा स्थल में ही पानी का इंतजाम किया गया है। पिथौरागढ़ नगर में प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड एपी अंशुमन, पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में वीवीआईपी ड्यूटी में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग ली गई। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने व किसी भी प्रकार से कोताही न बरतने के कड़े निर्देश दिए गए। उच्च कोटि का टर्नआउट रखने, सतर्कता पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन करने आदि निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर स्कूली बच्चे भी जबरदस्त उत्साहित हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक नवीन कोठारी ने बताया कि नैनीसैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक मानस एकेडमी, जनरल बीसी जोशी पब्लिक स्कूल, न्यू बीर शिवा स्कूल, नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल, एशियन एकेडमी स्कूल और जीजीआईसी स्कूल की छात्राएं सड़कों के किनारे कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कल नगर व आसपास के सभी 300 स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिनांक 12 अक्टूबर को 12 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा नगर के सम्भ्रांत जनता से, तमाम संगठनों से करबद्ध निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोलीकांग और गुंजी भ्रमण के लिए की गई तैयारी का निरीक्षण करने प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत बुधवार को जोलीकांग और गुंजी पहुंचे। अधिकारियों ने तैयारी को देखने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कल सुबह 8 बजे जोलीकांग पहुंचेंगे। यहां वे ओम पर्वत के दर्शन के बाद पार्वती सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे। पिथौरागढ़ पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को नगरपालिका द्वारा नगर में कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वरदानी मंदिर के समीप बने व्यू पॉइंट और ओपन जिम का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने यहां से दिखाई देने वाले नगर के खूबसूरत नजारे की जमकर प्रशंसा की। चंडाक मैग्नेटाइट फैक्ट्री के निकट बन रही जल संरक्षण योजना का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्यटन विकास में मददगार होगी। उन्होंने नगर के हाईटेक शौचालयों और नवनिर्मित बारात घर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने धन के अभाव में कई कार्य रुके होने की जानकारी उन्हें दी। शहरी विकास मंत्री ने शीघ्र धनराशि आवंटन का भरोसा दिया। इस अवसर पर नगरपालिका के तमाम सभासदों के साथ ही अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे, अभियंता उमेश अवस्थी आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सुबह 8:05 पर जोलीकांग पहुंचेंगे। इसके बाद वह पार्वती कुंड में दर्शन और पूजा करेंगे। 9:20 पर गुंजी हेलीपैड में पहुंचेंगे। इस दौरान वह स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान स्थानीय रंग संस्कृति की कला प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद पीएम जागेश्वर पहुंच पूजा करेंगे। दोपहर 1:35 पर नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वहां से पीएम स्टेडियम में स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:50 पर सभा स्थल से नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से बरेली को रवाना होंगे। विधायक मयूख महन ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर जिले की तमाम जरूरत को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीमांत जिले के लिए हवाई सेवा बेहद जरूरी है। उड़ान योजना के तहत अविलंब हवाई सेवा शुरू की जाए। उन्होंने टनकपुर जौलजीबी सड़क को स्थानीय जरूरत के साथ ही
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इस सड़क का कार्य अविलंब पूरा करने, पिथौरागढ़ में सेना भर्ती कार्यालय फिर से खोले जाने, पिथौरागढ़ में एक और केंद्र विद्यालय की स्थापना करने के साथ ही मंदिरों को जोड़ने के लिए रोपवे लगाए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में होने वाली जनसभा में पहुंचने के लिए सांसद अजय टमटा के नेतृत्व में नगर में भ्रमण कर जनता को आमंत्रण दिया। इस दौरान विधायक डडियाड बिशन सिंह चुफाल, पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र वल्दिया, पूर्व जिला महामंत्री बसंत जोशी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने टनकपुर जलजीवी सड़क को पर्यटन विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री से सड़क को अविलंब पूरा कराए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि टनकपुर से जलजीवी तक प्रस्तावित सड़क रूपालीगढ़ तक तैयार हो चुकी है। रूपालीगढ़ में पुल और यहां से केवल 35 किलोमीटर बलतड़ी तक सड़क बनाकर इस सड़क को सुचारू किया जा सकता है। इस सड़क के बन जाने से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक जाने वाले देश भर के श्रद्धालुओं के लिए दूरी बेहद कम रह जाएगी, जिससे जिले के लोगों को पर्यटन कारोबार में खासी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल प्रस्तावित पंचेश्वर बांध के चलते इसे रोका गया है। उन्होंने कहा है कि बांध बन भी जाता है तो केवल 5 किलोमीटर सड़क ही डूबे क्षेत्र में आएगी। उन्होंने अधूरी पड़ी सड़क को अविलंब पूरा कराए जाने की मांग प्रधानमंत्री से की। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।